पंजाब में आज राहुल गांधी संभालेंगे कांग्रेस के प्रचार अभियान का मोर्चा। अमृतसर के दौरे पर राहुल गांधी जाएंगे स्वर्ण मंदिर। पंजाब कांग्रेस के 109 उम्मीदवार होंगे साथ। स्वर्ण मंदिर में हरमिंदर साहिब के दर्शन के बाद वाल्मीकि तीर्थ जाएंगे राहुल गांधी, प्रकट करेंगे अपनी आस्था। पंजाब में आज दुर्गियाना मंदिर भी जाएंगे राहुल गांधी। पंजाब में आज वर्चुअल रैली को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी। दोपहर 3:45 जालंधर से होगी राहुल गांधी की वर्चुअल रैली। योगी ने किया ट्वीट, प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से। प्रदेश की पहचान सिफई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास। मुजफ्फरनगर में है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी, दोपहर 1:00 संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे नामांकन, पर्चा दाखिल करने से पहले की पूजा। कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी से निकाला, आज बीजेपी के दफ्तर पहुंचे। बीजेपी से कांग्रेस में आने वाले हरक रावत उत्तराखंड में टिकट से चूके, पार्टी में मिलेगी जिम्मेदारी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी की। हरीश रावत की विधानसभा सीट बदली, हरीश रावत अब लाल कुआं से लड़ेंगे चुनाव, पहले रामनगर सीट से मिला था टिकट। रामनगर सीट से कांग्रेस ने हरीश रावत के बजाय महेंद्र पाल को मैदान में उतारा। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को भी कांग्रेस ने दिया टिकट, हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव मैदान में उतरी अनुपमा रावत। उत्तराखंड में बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी की बेटी ऋतु भूषण खंडूरी को हरिद्वार ग्रामीण सीट से मैदान में उतारा। बीजेपी ने उत्तराखंड में रानीखेत से प्रमोद ननवार, जोगेश्वर से मोहन सिंह मेहरा, लाल कुआं से मोहन सिंह बिष्ट, हल्द्वानी से जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला को मैदान में उतारा। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान तेज, आज मथुरा और नोएडा में गृहमंत्री अमित शाह संभालेंगे बीजेपी के प्रचार अभियान की कमान। अमित शाह आज मथुरा में बांके बिहारी मंदिर जाएंगे, सुबह 11:30 पूजन अर्चना। दोपहर 3:00 के बाद नोएडा आएंगे अमित शाह, दादरी में करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। गाजियाबाद के मोदी नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे प्रचार, दोपहर 1:00 होगा राजनाथ का डोर टू डोर कैंपेन। गाजियाबाद के बाद बाग पर जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वतंत्रता सेनानियों संग चाय पर चर्चा का कार्यक्रम। आज बिन्नौर में सीएम योगी का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान, अस्पताल का भी करेंगे मुआयना। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत आज करेंगे नामांकन, सांकेलम विधानसभा सीट से भरेंगे पर्चा। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल भी आज करेंगे नामांकन, पणजी विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग तेज, पश्चिम यूपी की चुनौती पार करने के लिए अमित शाह ने दिल्ली में जाट नेताओं से की मुलाकात। जाट नेताओं को अमित शाह ने दिलाई बीजेपी के समर्थन की याद, सूत्रों के मुताबिक बैठक में बोले, हमने गलती की तब भी आपने दिया साथ। जाटों की बैठक में अमित शाह ने किया जयंत चौधरी का जिक्र, बोले हम भी चाहते थे उनका साथ लेकिन उन्होंने गलत रास्ता चुन लिया। बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के न्योते पर जयंत चौधरी ने किया ट्वीट, न्योता मुझे नहीं उन 700 किसानों को दे जिनके घर आपने उजाड़े। अमित शाह की बैठक के बाद बीजेपी का बड़ा दावा, प्रवेश वर्मा बोले पहले भी दिया है और इस बार भी समर्थन देंगे जाट समुदाय। एक पंचायत के रूप में ये बैठक हुई है और सबने हाथ खड़ा करके गृह मंत्री जी को विश्वास दिलाया है कि इस बार भी सभी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देंगे। अमित शाह के सामने जाटों ने रखी अपनी समस्याएं, गन्ने के समर्थन मूल्य को लेकर हुई चर्चा। वोट देता जाट समाज इस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, वोट देता है, उनका प्रतिनिधित्व सरकार में हो, पूरी तरह से हो, प्रदेश में भी हो और देश की सरकार में भी, ये मुख्य मुद्दे थे जाट समाज के। दिल्ली में परवेश वर्मा के घर पर हुई जाटों के साथ अमित शाह की बैठक, संजीव बालियान और धर्मेंद्र प्रधान रहे मौजूद। गणतंत्र दिवस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता के नाम चिट्ठी लिखी, योगी सरकार को बताया निर्दयी। अखिलेश सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का नया दावा, बोले संपर्क में है बीजेपी के कई मंत्री, सीट के ऐलान का कर रहे हैं इंतजार। कुछ मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि कहीं दाव अगर बैठ जाए तो बैठा दीजिए, भाजपा जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने लखीमपुर में प्रत्याशी के कार्यालय का किया उद्घाटन, बोले यूपी में बनेगी बीजेपी की सरकार। अजय मिश्र टेनी ने कहा मैं 5 राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाऊंगा।
बीजेपी में शामिल होने पर आरपीएन सिंह का कांग्रेस पर हमला। अजय लल्लू बोले, गरीब के बेटे के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने से थी दिक्कत। देश में कोरोना के मामले कुछ कम, एक दिन में 2,86,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना के सक्रिय केस 22,00,000 से ज्यादा, संक्रमण दर 19% करीब। दिल्ली में कम हो रहे हैं कोरोना केस, 24 घंटे में 7,498 नए मरीज। दिल्ली में 11% पर पहुंचा संक्रमण दर, एक दिन में 29 लोगों की मौत। केरल में 49,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, ऑक्सीजन की जरूरत वाले मरीजों की संख्या बढ़ी। नक्सलियों ने आज बुलाया है बिहार और झारखंड बंद। गिरिडीह के करीब बम धमाके से उड़ाया रेलवे ट्रैक। नक्सलियों के रेलवे ट्रैक उड़ाने से दिल्ली हावड़ा रूट प्रभावित, मरम्मत के बाद ट्रैफिक बहाल। बीती रात 12:30 बजे नक्सलियों ने धमाका कर उड़ाई पटरी, चीचाकी और चौधरी बांध रेलवे स्टेशन के बीच उड़ाया ट्रैक। नक्सली वारदात के बाद कई ट्रेनों का रूट बदला गया। गंगा दामोदर एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रोकी गईं, कई ट्रेनों को किया गया रद्द। नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक पर छोड़ी धमकी भरा पर्चा, 21 जनवरी से 26 जनवरी तक विरोध का जिक्र। रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा में धांधली को लेकर जबरदस्त बवाल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से की तोड़फोड़ नहीं करने की अपील। मैं छात्रों को कह रहा हूं कि आपकी संपत्ति है, आप अपनी संपत्ति को जलाने के लिए क्यों बाहर निकले। रेल मंत्री ने कहा, मैं बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के संपर्क में, हालात पर निगरानी। छात्रों के विरोध को देखते हुए रेलवे ने किया कमेटी का गठन, छात्रों की शिकायतों को लेकर जांच, 4 मार्च तक आएगी रिपोर्ट। प्रतियोगी कमेटी को ईमेल के जरिए भेज सकते हैं अपनी शिकायत, शिकायत दर्ज कराने के लिए 16 फरवरी तक की डेडलाइन। पटना में खान सर के खिलाफ FIR, हिंसा भड़काने का आरोप। खान सर के अलावा 400 अज्ञात लोगों पर मुकदमा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक भी गिरफ्तार में शामिल। राजेंद्र नगर स्टेशन पर हुए हंगामे का मामला, 5 घंटे तक रोकी गई थी ट्रेन। पुलिस के मुताबिक छात्रों के बयान के आधार पर केस दर्ज, खानसर के वायरल वीडियो की जांच। बिहार के लोकप्रिय शिक्षक हैं खानसर, सोशल मीडिया पर खान जीएस रिसर्च सेंटर चलाते हैं, पढ़ाने के खास अंदाज के लिए मशहूर। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, परीक्षा से जुड़े युवाओं पर दमन की जितनी निंदा की जाए कम है, छात्रों से शांतिपूर्ण सत्याग्रह की अपील। बिहार में रेलवे ट्रैक पर बवाल के चलते जहां तहां रुकी ट्रेन, बेहाल हुए रेल मुसाफिर। उत्तराखंड में चक्राता में फंस गए सैलानी, प्रशासन ने किया रेस्क्यू। चक्राता के ऊंचे इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, चारों तरफ बर्फी बर्फ, 3 से 4 फीट तक जमी बर्फ, अलग थलग पड़ा इलाका। चक्राता के लोखंडी में बर्फ हटाने के लिए मंगाई गई मशीन, संपर्क बहाल करने की कोशिश। स्थानीय लोगों की बड़ी मुश्किल, बीच में पानी का संकट। पहाड़ों पर फिर बर्फबारी का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 जनवरी को होगी बर्फ की बरसात। धर्मशाला में पड़ रही जबरदस्त बर्फ, पहाड़ों पर धुंध से बढ़ी आफत। रास्ते बंद होने की वजह से पर्यटकों का आना जाना मुश्किल, 1 हफ्ते से हो रही है लगातार बर्फबारी। पुंछ में सरहद पर लगातार बर्फबारी, कड़ाके की ठंड में जवानों की चौकसी। दार्जिलिंग इलाके में कड़ाके की ठंड 0 से करीब पहुंचा, ज्यादातर जगहों का तापमान। अगले 4 दिनों तक पश्चिमोत्तर और मध्य भारत में जारी रहेगी शीतलहर, मौसम विभाग के मुताबिक सर्दी का कसेगा शिकंजा। जम्मू कश्मीर के डोडा में जबरदस्त बर्फबारी, रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड की वजह से रुका ट्रैफिक, रास्ता खोलने की कोशिश। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का दौर रुक रुक कर जारी, शिमला में फिर से गिरी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बर्फ से बने इग्लू और स्नोमैन, पर्यटकों की मस्ती। रायबरेली में जहरीली शराब ने ली 7 लोगों की जान, 30 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। बिहार में शराबबंदी के बीच एक और हादसा, बक्सर में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, चल रही है जांच। ओडिशा के मलकानगिरी में बीएसएफ ने लॉन्च किया बोट एम्बुलेंस, नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए खास सुविधा। पीलीभीत में गरीब मिस्त्री ने 6 फीट ऊंची साइकिल, लोग साइकिल के साथ खिंचवाते हैं सेल्फी। सूरत में कोरोना को बरसा बारात में जमकर झूमे बराती, वीडियो वायरल।
वेस्ट इंडीज से T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। वनडे में रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलेंगे विराट। शिखर धवन के साथ वनडे स्क्वाड में रवि विश्नोई, प्रसिद्ध कृष्ण अवेश खान भी टीम में मौजूद। T20 टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा के हाथ, शिखर धवन को नहीं मिला मौका, रवि विश्नोई नया चेहरा। वेस्ट इंडीज से 3 वनडे और 2 T20 की सीरीज खेलेगी टीम इंडिया। 6 फरवरी को अहमदाबाद में होगा वनडे का पहला मुकाबला। कोलकाता में खेले जाएंगे वेस्ट इंडीज के T20 सीरीज के दोनों मुकाबले। 16 फरवरी को पहला मुकाबला।